हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कमल विश्वकर्मा में। तो फ्रेंड्स, मैं कमल विश्वकर्मा। दोस्तों, आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स, आप लोग का बिहार आईटीआई कैट का थर्ड राउंड के एडमिशन के लिए आप लोग के आईटीआई कॉलेज में कौन कौन से ट्रेड में कितना सीट बचा हुआ है, ये फाइनली बिहार बोर्ड ने एक लिस्ट जारी कर दिया है। और आप लोग इसे किस प्रकार डाउनलोड करेंगे और इसे किस प्रकार देखेंगे, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें और इसे पूरा वॉच करिए, तभी दोस्तों आप लोग को मालूम हो पाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके उसे ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। क्योंकि दोस्तों, आपको चैनल पर आईटीआई संबंधित न्यूज एवं अनेक जानकारी आपको प्रूफ के साथ बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक गुड न्यूज दे दूं, क्योंकि दोस्तों मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है आईटीआई ग्रुप डिस्कस। अगर दोस्तों आप लोग उसमें ऐड होना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया हूं, आप लोग उस पर क्लिक करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। और दोस्तों, आपको उस ग्रुप में आईटीआई की जानकारी प्लस अप्रेंटिस की जानकारी और अदर जॉब की जानकारी उसमें दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं, ये दोस्तों आपका बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कंपटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है। और फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल में से ओपन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे आ जाना है और आप लोग देख पाएंगे कि आपका एक लिंक एक्टिव हो गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है कैंडिडेट कॉर्नर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, आपका दिया गया है कैंडिडेट कॉर्नर और इसमें आपका दिया है वैसेंट सीट पोजिशन इन SCTB। ये दोस्तों SCTB हो गया, यहाँ पे SCVT रहेगा। कोर्सेज फॉर आईटीआई कैट 2019 थर्ड काउंसलिंग डेट 4/11/2019। जैसा कि फ्रेंड्स, ये 4/11/2019 को आया हुआ है। आप लोग दोस्तों इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा दोस्तों लिस्ट डाउनलोड कर आ चुका है। मैं दोस्तों आपको एक डिस्ट्रिक्ट का देख कर बता रहा हूँ, दोस्तों आप लोग इसी प्रकार चेक कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, आपका दिया गया है डिस्ट्रिक्ट नेम, इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स नेम, इसके बाद आपका टाइप क्या है वो भी आपका दिया गया है SCVT। इसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, आपका कैटेगरी वाइज भी आपका इसमें सीट दिया गया है, आप लोग कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। इसके बाद आपका टोटल सीट भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं, आपका इसमें दिया गया है डिस्ट्रिक्ट अररिया। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम है आईटीआई अररिया। इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं, आपका कोर्स भी दिया गया है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, ICTC SM, मैकेनिक डीजल, वेल्डर, आपका ये दोस्तों ट्रेड दिया गया है। इसके बाद आपका टाइप दिया गया है SCVT। तो आप लोग देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में दिया गया है SCVT और UR में इसका सीट खाली है 3। इसके बाद SC में है 2, ST में है 1, EBC में है 2, BC में नहीं है सीट, RCG में भी नहीं है, EWS में 2 सीट है। इसके बाद टोटल सीट है आपका 10 सीट बचा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में। इसके बाद SMQ में 1 सीट है, DQ में 1 सीट है। इसी प्रकार दोस्तों, आप लोग सभी डिस्ट्रिक्ट का देख सकते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा लिस्ट है, आप लोग इसी प्रकार चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे एक लाइक, शेयर, कमेंट सब कर लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके उसे ऑल पर क्लिक कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।